और पीछे देखो मिरर में जो कार आ रहा है उसका रेस हो रहा था, तो हम सोचे थोड़ा सा क्यों ना ले ही लिया जाए वीडियो में। तो भाई साहब अभी टाइम हो रहा है कुछ, क्या हो गया देखने तो, 6:43 AM। और मैं मतलब जिस रास्ते से रोज़ जाता हूँ उस रास्ते पर तो अभी नहीं, एक नया रास्ता चूज़ किया है, तो NH6 पहुँचते हैं और नया रास्ता है तो देखते हैं कैसा क्या रूट जा रहा है। तो इसलिए मैं गूगल मैप भी चालू कर दिया, और ये मेरा विंटर सीज़न में फर्स्ट सनराइज़ बोल सकते हो, जो मैं खुद की आंखों से देख रहा हूँ। और बोलने को नहीं हो रहा है, बहुत ठंड है आज, 10 डिग्री में आ चुका है टेम्परेचर इधर मेरे इधर का, बहुत ठंड है भाई, हद से ज़्यादा ठंड है। बाकी तो मैं ऑल पैक्ड हूँ पूरा, एकदम कुछ बाकी नहीं है। तो ठीक है चलो आगे देखते क्या क्या कुछ मिलता है देखने को, आई होप अच्छा अच्छा नज़ारा मिले। तो भाई लगभग चल चुके हैं 20 किलोमीटर, और इस साइड मेला वगैरह हुआ था। चलो बढ़िया है, अभी तक तो हाईवे नहीं मिला, पर एक भैया से पूछे कि बोले सामने है, और इतना ठंड में उनको कुछ बोलना नहीं आ रहा है। अभी मेरा हाथ मतलब सारा कुछ एकदम पैक्ड है, कोई दिक्कत नहीं, पर हाथ में जो लग रहा है भाई करंट मार रहा है जैसा, ठीक पूछो। तो मैप पे ऐसा दिखा रहा है अभी भी 4.6 किलोमीटर, चलो कंप्लीट करते हैं। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बोलना भी नहीं हो रहा है अभी। सेट तो आ चुके हैं, पर अभी मुझे मैप फिर से लगाना है कोलकाता के साइड जाने के लिए। तो चलो अभी आएगा मज़ा। बेसिकली मैं ये राइड तो छोड़ के मैं ट्रेन में भी जा, क्या बोल रहा हूँ यार, ट्रेन पे भी जा सकता हूँ, समझ जाओ थोड़ा सा, मतलब ठंड में हालत बहुत ख़राब है तो ठीक से बोलना नहीं हो रहा है, तो ट्रेन पे भी जा सकता था, पर मैं खुद को एक चैलेंज दिया जिसके लिए मैं जा रहा हूँ अभी। ऐसे देखना चाहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ 162 किलोमीटर सोलो राइड। बाकी इधर से तो है 137 किलोमीटर। ओके लेट मी टेक यू फॉर अ राइड, अभी पहुंच चुके हैं कोलाघाट ब्रिज पर।
लेफ्ट साइड पे ये नज़ारा, राइट साइड पे ये नज़ारा, और वो दूर जो देख रहे हो उधर से ट्रेन जाता है। Oh, crazy, my baby, dancing with the lights. Together, we could chase the sun. आते हुए ही पहला सिग्नल, और सिग्नल में अपन को छूट भी मिल चुका है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ऐसा ही मिलता रहे। और ऐसा भी लेजेंड आदमी है यार, टोपी वोपी सब खोल के जा रहा है, कसम से लेजेंड आदमी है ये। ठंड में इधर मर जा रहा हूँ, और ये अलग ही चीज है भाई। और अभी भी रह गया है 91 किलोमीटर ऑन लूप, बहुत अच्छा कवर किया मैंने। एक घंटे में बहुत अच्छा कवर कर लिया, एक घंटे में कितना मारा, 74। इसको भी अच्छा बोलो या बुरा, नहीं अच्छा ही बोलेंगे क्योंकि रास्ता बहुत खराब था। चलो बाकी भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तब से मेरा और पीछे देखो मिरर में जो कार आ रहा है उसका रेस हो रहा था, तो हम सोचे थोड़ा सा क्यों ना ले ही लिया जाए वीडियो में। आने दो, आने दो, जाओ जाओ, अब जाओ, आपको हम ओवरटेक करते हैं। थोड़ा सा आप भी इंजॉय कर लीजिए। चलिए 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 चलिए, क्या कर रहे हैं, लगाइए आपका कार। ठंड तो बहुत ही लग रहा है भाई। लेट्स गो, अब भागिए, हम आपको दौड़ा दौड़ा के कैच करेंगे। ये भीतरी है, मजाक का चीज नहीं है। विदाउट स्लिप शिफ्ट जा रहा है 130 के पास, नहीं 128। अभी आएगा मजा, पकड़ता हूँ। पर इन लोगों से हेलमेट नहीं है यार, क्या रेस करेंगे छपरे की तरह। मेरा टाइप का नहीं है, छोड़ो, हेलमेट होता तो एक बार के लिए कर लेते, फिर भी थोड़ा सा तो उलझा सकते ही है इनको। डिपेंड लगे क्या ही उखाड़ लेगा। मेरा लोकेलिटी का होता तो अभी देखना था इसका घर। इसका बस का बात नहीं है,
फ्रेंड में तो हिस्ट्री का टक कर देना भाई, स्मार्ट तो इसलिए अभी नहीं करते, चलो हार तो चुका ही है वो, मुँह के ऊपर जवाब तो उसको मिल ही चुका है। जा भाई तू जा, तेरे से ना। तो भाई साहब उस साइड तो टोल था, टोल गेट, और बाइक वालों के लिए तो इस साइड, और मेरे को लग रहा था उस साइड से चलते हैं, पर वो टोल वालों के लिए क्या था ये, सामने से भी घूम सकता था। लॉल मेरे साथ ही, क्यों क्यों, मतलब मत ही पूछो। मेरा एल लग गया पूरा। हंसी आ रहा है भाई मुझे खुद पर। जिंदगी में सबको विश्वास करो, ऑटो वाले को छोड़ के। अरे चल ना, क्या पैसेंजर उठाने से जाएगा। अभी तो ट्रैफिक लगना शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। मुझे सुबह ही निकलना अच्छा होता, अगर सुबह सुबह निकल जाते तो इतना जैम तो नहीं मिलता। और भाई साहब इधर से जो रास्ता है, क्या व्यू मिला था उस दिन, बहुत ही बढ़िया व्यू मिला था। बढ़िया है गुरु, बढ़िया है। इतना ट्रैफिक लग गया मत ही पूछो, इसका डर था और यही हो गया। V3 को ऐसे ओपन में चलो कोई दिक्कत नहीं, जब ऐसे ट्रैफिक आ जाए ना तब दिक्कत होता है,
तब लगता है कि भाई साहब कुछ तो हो रहा है, पेन वगैरह जो मुझे अभी फील हो रहा है। जिक्सर वाला क्या करना चाहता है यार, तो ये रहा विवेकानंद ब्रिज और ये रहा उसका नजारा। और वो रहा दक्षिणेश्वर टेम्पल उधर, वो वाला आएंगे, एक बार आएंगे, आना पड़ेगा मुझे। और उधर से ट्रैफिक दिखा रहा है तो मैप, अभी बहुत ही लंबा एक ट्रैफिक है। और टेम्पल में तो बहुत ही ज़्यादा लोग आया है, मतलब इधर से देख के जितना पता चल रहा है मुझे। बाकी घर वाले जब आता है इधर, आएगा बोला तो तब आएंगे, मैं भी इधर चलाऊंगा। इस जगह पर हमेशा ही जैम रहता है, पहले बार भी आया था जैम था, अभी भी जैम है, तो मुझे अभी सीधा ही जाना है। That school. चलो ये तो बढ़िया है, अभी तक सिग्नल नहीं मिला। तो भाई साहब अभी तो मध्यम ग्राम पे आ चुके हैं, इधर से अभी 23 किलोमीटर। इतना रास्ता जो आया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे कसम से। ओके, तो मुझे राइट साइड जाना है। तो अभी से रास्ता थोड़ा सा खराब चालू हो जाएगा, पता है, याद आ रहा है मुझे, 3 महीने पहले आए थे तब, तो थोड़ा थोड़ा तो याद है। 44 मिनट दिखा रहा है, चलो ये भी बढ़िया है। थोड़ा सा मेरा मतलब कंधे पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है,
और बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। नहीं तो हो रहा है कोई लोअर बैक पेन, नथिंग, रिस्ट पेन, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हेलमेट की वजह से हो रहा है। हैबिट हो जाएगा भाई, क्या ही कर सकते, हेलमेट तो कंपलसरी। बाइक चलाएंगे तो हेलमेट पहनना तो मस्ट। अब लोग का ये वीडियो में बहुत ही पहले दिख गया, मतलब बहुत ही पहले मीन्स बहुत ही कम टाइम में लगेगा आ गया इधर, पर कितना टाइम लगा वो तो मुझे ही पता है। 6:43 पे शायद से स्टार्ट किए थे और अभी बज रहा है 9:00, नहीं 9:07, 9:07 हो चुका टाइम और इसको ओवरटेक करते अभी। ध्यान से चलाना पड़ेगा इधर क्योंकि किसी भी साइड से लोग आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से, बाकी तो सब बढ़िया है। पर एक अच्छा चीज़ है, मैं अभी तक रेस्ट नहीं लिया। ऑल राइट, अभी बचा है कुछ 14 किलोमीटर और ये रास्ता भाई मत ही पूछो, अंजर पंजर सब ढीला हो जाएगा। अभी तक ठीक नहीं किया यार, क्या ही बताए। चलो मेरा कैपेसिटी कितना है वो तो पता चल ही गया मुझे कि 160 जब ऐसे रास्ते में सोलो राइड कर लिए अकेला तो फिर कैपेसिटी तो है। देखो V3 के साथ करना और ऐसे ट्रैफिक वगैरह में करना में बहुत ही दिक्कत होता है, तो ये कर लिया तो इजी। ऐसा नहीं बोलूँगा कि दर्द वगैरह नहीं हो रहा है, हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है और बाकी तो ऐसा कुछ फील नहीं है। रिस्ट में तभी होता है जब मतलब जैम वगैरह में पड़ते हैं तभी रिस्ट पेन होता है, बाकी ऐसे 14 किलोमीटर जाना पड़ेगा ऐसे रास्ते में। मिनी लद्दाख, चलो भाई अब जाके थोड़ा सा अच्छा रास्ता मिला, थोड़ा सा नहीं अच्छा ही है ये। अभी भी बचा है 7 किलोमीटर, 7.87 तो नहीं 7.8 किलोमीटर, और वैक्सीन लिया था हाथ में, थोड़ा सा दर्द है, बाकी तो सब बढ़िया है गुरु। भाई अजब चीज़ है, मेरे ऐसे मिला 2-3 ऐसे मिला, एक ऑटो के साथ टकराते टकराते रुक गया, मतलब फ्रेम मेरा हैंडल लीवर के साथ, लीवर गार्ड के साथ टकरा गया था, और एक कार वाला मिला था और अभी ये। चलो बढ़िया है। तो भाई फाइनली मैंने कर दिया, देखोंगा बाजार में आ चुके हैं और ये बाजार में हम लोग खाने के लिए जो सामान वगैरह सब कुछ इधर से ही लेते हैं, मतलब बाजार है ठीक है, मैं जिधर रहता हूँ पैदल चल के इधर लेने के लिए आते हैं, जैसे हार्डली 900 मीटर का होगा, 900 मीटर पर चलना तभी से। तो चलो तू ही भाई रोड किंग है, हम तो छोड़, हाँ हम लोग राजा प्रजा मनुष भाई, तू ही रोड है राजा भाई तू ही।
चलो बढ़िया है। मिरर मेरा लूज हो गया। बढ़िया गुरु बढ़िया। तो ठीक है भाई, कर लिए हम राइट साइड, हम घूम जाएंगे अभी। ये था वीडियो, वीडियो ख़त्म करते अभी इधर। बाकी क्या कुछ मोटो ब्लॉग तो ज़रूर आएगा, इसलिए आए हैं। मिलते रहना, ऐसे वीडियो आएगा और भी। ठीक है चलो।